सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल बहुत ही सुंदर और मंगलमय हो। और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से गांव गौचर रानों से। आज का ब्लॉग बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंटरेस्ट वाला है। देखो दोस्तों, आज हमारे गांव में जो श्यामला वृक्ष है, जिसको मोहरी वृक्ष बोलते हैं, उसका आगमन होगा हमारे गांव रानों में। आपको दिखाऊंगी मैं कि जो श्यामला वृक्ष होता है वो लीला में, जो श्यामला वृक्ष मोहरी नारायण वृक्ष जो होता है, उसको लेने के लिए जंगल में कौन कौन से वीर जाते हैं। एक हमारे वीर जाते हैं जो देवी के वीर होते हैं, हनुमान जी जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, भीमसेन जाते हैं, बब्र बाण भभरिक जाते हैं। इन चार पांच जो हनुमान जी होते हैं वो जाते हैं। और हमारे मोहरी वृक्ष जो जंगल में, जंगल से लाया जाता है, जिसको देखिए दोस्तों, ये मल्लरानो है। और इसके ऊपर जो हमारे देवता हैं पांडव पशु, जो भीमसेन हुआ, बबरिक बाण हुआ, हनुमान जी हुआ, ये देखो मेरे वीडियो के माध्यम से ये लोग इस जंगल में उस मोहरी वृक्ष को लेने जा रहे हैं। ये देखिए, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा और आप लोग देख रहे होंगे, ये जंगल है और ये लोग आएंगे शाम तक। इनका जो भोजन होगा वो होगा, जो ये हमारे दो तीन गांव हैं जिसको बोलते हैं खोड़ी, रौठवा, बांजी, जो मल्लरानो है, वहाँ से ये लोग शाम के समय तक वो वृक्ष लेके, और वहाँ पे ये इनका सूक्ष्म जलपान होगा। आप मेरी वीडियो में बने रहना और देखना पूरा कहाँ से और कितने बजे तक ये मोहरी वृक्ष जो हमारा है वो हमारे पांडव चौक माँ बाला सुंदरी के प्रांगण में पहुँचेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो गांव के 1600 सेना, जो 1600 सेना होती है मोहरी वृक्ष लेने के लिए, वो देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरी वीडियो में, वो लोग जा रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। हनुमान जी की जय के जयकारे यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं और वो लोग अभी जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है दिन के 11:30 और वो लोग आएंगे शाम तक। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखें, इंजॉय करें और शाम को वृक्ष लेने के लिए, तो इसमें वीर देवता छल कपट की वजह से उन्हें कुछ तरह से फेंक देते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हुए यहाँ पे गांव वालों के द्वारा अर्घ की थाली मनोहरी वृक्ष के सामने रखी गई है। देखिए दोस्तों, थाली में पूरी और दिया जला के रखा हुआ है, ये यहाँ पे रखा जाता है। और उसके बाद जो पूरियाँ हैं वो भंडारे में रखी जाती हैं। आप आगे देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्यामला वृक्ष पहुँच गया है प्रांगण में। देखिए सभी गांव वालों के द्वारा अच्छे से